Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgrav. We are learning English with Easy Lessons. In this lesson, I'm going to teach you advanced adjectives with magical trick. What that magical trick is? Mnemonics. मैं आज आपको advanced adjectives पढ़ाऊंगी mnemonics. मुझे ना कल एक message receive हुआ है, comment receive हुआ. मुझे भूल गया कि किसने वो comment किया था. उसने लिखा था कि मैम, it's really hard for us to cram all this vocabulary. ठीक है, वो के उनके कहने का मतलब ये था कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि इस सारी वोकैबुलरी को जो आप हमें पढ़ाती हैं उसको हम क्रैम कर सकें, उसको हम मेमोराइज कर सकें, उसको हम रिटेन कर सकें. ठीक है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है. ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मोर देन 1000 वर्ड्स चाहिए होते हैं. कुछ एग्जाम्स के लिए तो मतलब 2000 से 3000 वर्ड्स जो है वो आपको चाहिए होते हैं. कुछ एग्जाम्स के लिए 1000 वर्ड्स ही जो है वो सफिशिएंट होते हैं. ठीक है, अब इतनी सारी वोकैबुलरी को याद करना, उसको रिटेन करना, इट्स रियली रियली चैलेंजिंग. उसका तरीका क्या होता है? या तो उसके दो तीन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप उनको याद करते हैं, उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला तो जो मैं काम करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट डेली आपके लिए वोकैबुलरी लेके आती हूँ, और जो मैं वोकैबुलरी का सेट बनाती हूँ वो 8 वर्ड्स का होता है. 8 वर्ड्स एक दिन में याद करना इजी है. फिर उसको मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ, मेरा ख्याल है, ये मुझे लगता है, आप लोग बताइएगा कि वो इजी हो जाता है उसको मेमोराइज करना, उसके मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना. सेकेंड चीज क्या है जो मैं इसमें ऐड करने लगी, वो ये है कि मैं आपको निमोनिक्स बना कर दूंगी. ठीक है, उससे निमोनिक्स से क्या होगा कि आपके लिए उन वोकैबुलरी वर्ड्स को रिटेन करना, उनको मेमोराइज करना इजी हो जाएगा. जब उसके साथ एग्जांपल्स भी आएंगी, उन एग्जांपल्स को आप इमेजिन किया कीजिए. जो भी एग्जांपल होती है ना, आप चाहे वीडियो को एक मिनट के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए इसको पॉज कर लिया करें और उनको इमेजिन किया करें. क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं ना किसी भी वर्ड को, वो हमारा, क्योंकि हमारा जो जो जहन है ना, हमारा जो माइंड है, वो चीज़ों को स्टोर करता है पिक्चर्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में नहीं स्टोर करता है. ठीक है, तो फिर आप जब उसको अपनी इमेजिनेशन में लेके जाएंगे तो आपके जो दिमाग में, माइंड में वो वर्ड्स बैठ जाएंगे. तो आप बहुत, मतलब मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक होता है कि आप निमोनिक्स के थ्रू आप हर वर्ड का कोई ना कोई निमोनिक्स, उसके साथ एक स्टोरी ऐड कर लें. तो वो जो स्टोरी ऐड कर लेंगे तो वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो आज से हम ऐसे करेंगे. अच्छा, अब ये मैंने एडजेक्टिव बोला है तो मैं अलग-अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताऊंगी, हर वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है इस सेट में. ठीक है, और 8 वर्ड्स को देखे ना, अब रोज मैं 8 वर्ड्स की का सेट लेके आती हूँ. तो अगर आप 2 या 3 महीने इसको कंटिन्यूसली आप मेरे साथ हर लेसन को देखते रहेंगे तो आपके 3 मंथ्स के अंदर मोर देन 700 वर्ड्स जो है वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. तो बहुत ईजी होता है इस तरह से वोकैबुलरी को याद करना अगर आप डेली जो है वो कुछ ना कुछ वर्ड्स आप सीखते रहें. ये नहीं कि एक दिन बैठे और आप 30-40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स जो है ना वो आप एकदम से क्रैम करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा. ठीक, चलें जी. ओके जी, हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी परस्पिकेशियस. परस्पिकेशियस का क्या मतलब होता है? सारे एडजेक्टिव है ये, तो ये भी एडजेक्टिव है. हैविंग अ कीन परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन ग्रास्पिंग कॉम्प्लेक्स और सटल कॉन्सेप्ट्स. अच्छा जी, पहले तो इसका मतलब को समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका निमोनिक बताती हूँ. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग या बड़ी उसका कीन परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को समझने का. मतलब उसकी जो समझ होती है, जैसे हमें आम इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कुछ भी, मैथ्स, कुछ भी, या कोई और चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो गहरी है, वो आम लोगों से ऊपर की है. आम लोग जो है वो सतही अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आम लोगों से ज्यादा है, आम लोगों से ऊपर की है. तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हम देखें, इसमें वर्ड है ना पर. पर का क्या मतलब होता है? पर विंग्स होते हैं, विंग्स. ठीक है, इसे जहन में रख लीजिए. पर क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. ठीक है, विंग्स क्या करते हैं? ऊंचा उड़ाते हैं. परिंदे जिनके विंग्स होते हैं वो ऊंचा उड़ते हैं. तो ऊंचा मतलब पर से आप विंग्स को जहन में रख लीजिए, और परसेप्शन भी इसके अंदर वर्ड आ रहा है. ठीक है, तो पर और परसेप्शन से आप जहन में रख लीजिए कि वो इंसान जिसका परसेप्शन, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आम लोगों से ऊपर की है. ठीक है,
अब आपको इस तरह से इसको याद रखना, वो जो इंसान होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग को परस्पिशियस कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मैं भी फंबल करती हूँ इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में, परस्पिशियस, ठीक है। तो उस इंसान को जो है हम एक परस्पिशियस इंसान कहेंगे, जैसे कि आप ये कह सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस आप जहन में रख लीजिए, परस्पिशियस डिटेक्टिव क्विकली सॉल्व द इंट्रिकेट केस बाय नोटिसिंग सटल क्लूज दैट अदर्स हैड ओवरलुक। अब ये जो टाइप के लोग होते हैं ना, किसी केस को सॉल्व करते हैं, वो क्या करते हैं, इंट्रिकेट, मैं तो बता देती हूँ, इंट्रिकेट केस होता है कॉम्प्लेक्स किस्म का, उलझा हुआ केस जो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अब जो ना उसने क्या किया कि उसने नोटिस किए बड़े सटल किस्म के क्लूज, इसका मतलब है कि वो डिटेक्टिव जो है वो परस्पिकेशियस है, मतलब कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त उस सिचुएशन को लेकर, वो जो क्राइम हुआ है उस सिचुएशन को लेकर आम लोगों से उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ जो है ना वो ऊपर की है, पर से उसके विंग्स लगे हुए हैं, उस डिटेक्टिव को वो ऊपर से देख रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ऊपर की है, तो उसको ज्यादा समझ में आ रहा है, इस वजह से उसने वो क्लूज भी पकड़ लिए जो बाकियों ने ओवरलुक कर दिए, मतलब जो बाकियों ने इग्नोर कर दी है, उन पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने उनको भी देखा, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, परस्पिकेशियस है, कि वो आम लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसी तरह से जैसे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनकी मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो बड़ी ऊपर की होती है, आम लोगों की नहीं होती, नॉर्मल नॉर्मल नहीं होती, बेसिक लेवल की नहीं होती, वो बहुत ऊपर की उनकी होती है, ज्यादा होती है उनकी, ठीक है। तो क्या होते हैं वो परस्पिकेशियस किस जो होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि मार्केट ट्रेंड्स को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिटेक्टिव, मार्केट के जो ट्रेंड्स को समझने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, परस्पिकेशियस इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को बहुत गहरा समझते हैं, लोगों से, आम लोगों से ऊपर जाकर समझते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनको समझ अच्छी आती है मार्केट की और वो सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही फैसले करते हैं और उनको फिर फायदा होता है, ठीक है। तो परस्पिकेशियस कौन इंसान हुआ, जिसकी समझ आम लोगों से ऊपर की है, ज्यादा है, ठीक है जी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और ये वर्ड अब आपको रिटेन भी हो जाना चाहिए, दो लोगों को जहन में रख लीजिए, परस्पिकेशियस डिटेक्टिव, परस्पिकेशियस इन्वेस्टर, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग क्या होता है, एक्सेलरेटिंग होता है कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुश कर दे, आपके अंदर एक थ्रिल पैदा कर दे, कोई भी एक्सपीरियंस, ऐसा आपने कुछ भी किया है और वो चीज जो है ना वो आपको एक्सेलरेट कर रही है, मतलब आपको बहुत खुश कर रही है, आपके अंदर एक थ्रिल, आपके अंदर एक जोश पैदा कर रही है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटिंग है। अब इसको याद कैसे करना है, इसमें आपको दो वर्ड नजर आ रहे होंगे, एक्सीलेंट और रेटिंग। रेटिंग आपको एंड पे नजर आ रहा है ना, एक्सीलेंट रेटिंग। आप किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सीलेंट एक्सीलेंट रेटिंग कब देंगे, आप तब उस चीज को एक्सीलेंट रेटिंग देंगे जब जाहिर बात है आप उस एक्सपीरियंस से बहुत खुश हैं। जो एक्सपीरियंस आपको खुश कर रहा है या जो एक्टिविटी आपको खुश कर रही है या जो चीज आपको खुश कर रही है, उसको आप कितनी रेटिंग देंगे, ऑब्वियसली आप उसको एक्सीलेंट रेटिंग देंगे। तो वो चीज क्या हुई, वो एक्सीलरेटिंग हुई, ठीक है, क्योंकि आप उसको एक्सीलेंट रेटिंग दे रहे हैं, तो वो चीज क्या है, एक्सीलरेटिंग है। आई होप कि अब आपको याद हो जाएगा, एक्सीलेंट रेटिंग, एक्सीलरेटिंग, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए कि हम किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस या एक्टिविटी को एक्सीलेंट रेटिंग देंगे तो हमें बहुत अच्छी लग रही है, जिसमें हम बहुत खुश हो रहे हैं, जिसमें हमारे अंदर एक जोश, जलवा, जज्बा और जो है ना थ्रिल पैदा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, द लाइव कॉन्सर्ट वॉज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। जो लाइव कॉन्सर्ट था ना वो एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था, मतलब आपको बहुत ही खुश, आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं और कॉन्सर्ट इतना जबरदस्त था, आप बड़े हैप्पी थे, आप नाच रहे थे, गा रहे थे, आपके अंदर एक थ्रिल पैदा हुआ हुआ था, ठीक है। तो द म्यूजिक एंड एनर्जी ऑफ द क्राउड वॉज कमेंडेबल, कि जो म्यूजिक था वो भी बहुत ही जबरदस्त था और जो क्राउड की एनर्जी थी, सारा क्राउड झूम रहा था, तो वो भी बहुत जबरदस्त था, ठीक है, तो कमेंडेबल था, काबिले तारीफ था। तो ये वाला एक्सपीरियंस क्या था, आप ऐसे कॉन्सर्ट को क्या रेटिंग देंगे, एक्सीलेंट रेटिंग देंगे। तो एक्सपीरियंस क्या हुआ, एक्सिलरेटिंग हुआ, वो जो कॉन्सर्ट था वो एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था, ठीक है। इसी तरह से आप हाइकिंग पे गए हैं, वो आपके लिए एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, अब बड़ा मजा आया आपको, गेम्स खेल रहे हैं, बड़ा ही मजा आया आपको वहां पर, तो एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था, ठीक है। अब याद हो जाएगा एक्सिलरेटिंग एक्सीलेंट रेटिंग से। अब हम एक और वर्ड याद करते हैं, वो क्या है जी, प्लॉजिबल। अब प्लॉजिबल को हम कैसे, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं।
अच्छा जी, पहले तो आप इसको जहन पर रखिए, प्लॉजिबल जो है ना हम यूज करते हैं किसी आर्गुमेंट के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी बात के लिए, ठीक है। किसी की कोई स्टेटमेंट है, कोई नैरेटिव है, कोई आर्गुमेंट है उसको। अब वो जो स्टेटमेंट या किसी की कोई जो बात है ना, वो प्लॉजिबल तब होगी जब आपको लग रहा है कि वो रीजनेबल नजर आ रही है, प्रोबेबल नजर आ रही है। अब इसको मतलब कि जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो वो प्लॉजिबल है। तो प्लॉजिबल जो कि बिलीवेबल है, जिस पे यकीन किया जा सकता है। प्लॉजिबल को आप बिलीवेबल के साथ कनेक्ट कर लीजिए। बिलीवेबल चीज क्या होती है? जैसे किसी ने आपके सामने कोई बहाना लगाया, एक्सक्यूज किया, आपका हर नौकर है घर में कोई, आपके जो भी काम करने वाले हैं, या आप ऑफिस के अंदर आपका कोई कुलीग है, या आपका जो सबॉर्डिनेट है वो छुट्टियां करके आ रहा है, उसने काफी दिनों की छुट्टियां की है। अब वो आपने पूछा कि भाई तुम इतने दिनों बाद आए हो, कहाँ थे तुम? अब वो बोलेगा मेरी माँ बीमार थी, मेरा दादा फोत हो गया, दादी फोत हो गई। जो भी उसने जो ना बहाना आपके सामने रखा है ना, वो बहाना बिलीवेबल है, वो एक्सक्यूज बिलीवेबल है, इसलिए वो एक्सक्यूज प्लॉजिबल है। आप जहन में रहेगा, मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट, जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट दी कि ये चीज ना ऐसे है, या आपको किसी ने बताया कि वहां ना फला फला जगह पे ये कुछ हुआ, तो आपको ना उसकी बात लग रही है बिलीवेबल, आपको यकीन आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसकी बात क्या है? प्लॉजिबल है, ठीक है। बिलीवेबल से याद रखिए, किसी भी बात को जो आपको लगे कि ये काबिले यकीन है, ये बिलीवेबल है, इस पे यकीन किया जा सकता है, वो चीज प्लॉजिबल है। अब आपको ये वर्ड याद हो जाए, इसको बिलीवेबल से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे? हिज एलिबाई सीम्ड प्लॉजिबल सपोर्टेड बाय मल्टीपल क्रेडिबल विटनेसेस। अब एलिबाई क्या होता है? एलिबाई देखिए, जो क्राइम्स होते हैं ना, जो किस मुख्तलिफ किस्म के, अब उसमें जो है ना, जिस जो सस्पेक्ट होता है, जिस पे शक किया जा रहा होता है, कभी इसने ये क्राइम किया। मूवीज में आपको नजर, आप इस तरह के सीन्स काफी देखते होंगे कि भाई इस पे शक जा रहा है, इसने ये क्राइम किया होगा। अब वो जिस पे शक जा रहा है ना, जो सस्पेक्ट है, वो कहता, वो अपना एलिबाई बताता है। वो कहता है भाई जिस टाइम पे क्राइम हुआ था, मैं तो उस वक्त यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो अपने दोस्त के घर पे था, वहां पे बर्थडे पार्टी हो रही थी, उसकी बर्थडे पार्टी, मैं तो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहा था, या मैं उसकी वेडिंग अटेंड कर रहा था। अब वो उसपे बहुत सारे और मेहमान भी आए थे, उन सबने मुझे देखा था कि मैं तो उस वक्त वहां था। तो इसको एलिबाई कहते हैं, ठीक है, कि मैं उस वक्त जहाँ पर क्राइम हुआ, मैं उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, मैं कहीं और मौजूद था। तो वो एलिबाई है। तो अब वो जो एलिबाई दे रहा है वो प्लॉजिबल है, क्योंकि उस वेडिंग में या उस बर्थडे पार्टी के अंदर जितने लोग आए हुए थे वो विटनेसेस हैं, ठीक है। और वो विटनेसेस बता रहे हैं कि हाँ जी ये तो वहां मौजूद था, हमने देखा था इसको, हमारे साथ ही था वो, हमने इसके साथ खाना खाया बैठ के, हमने इसके साथ बातें की बैठ के, हमने इसके साथ डांस वगैरह किया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उसका एलिबाई बिलीवेबल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये पार्टी में मौजूद था। तो क्या हुआ, वो एलिबाई प्लॉजिबल है। अब ये वर्ड याद हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास वर्ड है, वो है जी सिरेंडिपिटस। आज सिरेंडिपिटस किसको कहते हैं? सिरेंडिपिटस ऐसी चीज होती है जो अकरिंग बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। मतलब कि जो बाय चांस हुई आपके साथ, कोई भी ऐसी चीज हुई, कोई भी हैपनिंग हुई, वो हुई तो बाय चांस, उसकी जाहिर बात है अचानक से हो गई, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चांस, लेकिन वो फायदेमंद हुई, वो बेनिफिशियल थी, उससे आपको फायदा हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। तो इसको हम, ऐसी चीज को, ऐसी कोई भी हैपनिंग को हम सिरेंडिपिटस कहते हैं। अब सिरेंडिपिटस को आप किस तरह से याद करेंगे? सिरेन से आप सडन ट्रिप याद कर लीजिए, ठीक है। सडन सिरेंडिपिटस मतलब के सडन ट्रिप। अगर आपकी जिंदगी में कोई अचानक से कोई ट्रिप आ जाता है, और आप एकदम से क्या होंगे, आप खुश होंगे ना, आप हैप्पी होंगे कि वाह जबरदस्त, मतलब कि ये ट्रिप इतना जबरदस्त मुझे मिल गया है। हो सकता है आपको किसी बिरूने मुल्क जाने का मौका मिल जाए, ये वो, और अचानक से वो ट्रिप जो है ना, तो सडन ट्रिप से इसको याद कर लीजिए, वो चीज जिससे, जाहिर बात है कि जिससे आपको फायदा हुआ, जिससे आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई हैपनिंग हुई लेकिन वो सडन ट्रिप हुआ है, वो सडन हुआ है, तो सडन से क्या हुआ, सिरेंडिपिटस हुआ, ठीक है। वो चीज क्या हुई, सिरेंडिपिटस हुई, क्योंकि वो एक सडन ट्रिप था। सडन ट्रिप सिरेंडिपिटस है, ठीक है। सडन ट्रिप एक सिरेंडिपिटस है, बस इस तरह से इसको रिपीट करके याद कर लीजिए। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, द सिरेंडिपिटस एनकाउंटर एट द कॉफी शॉप लेड टू अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, ठीक है। अब कॉफी शॉप पे आपका किसी दोस्त के साथ सिरेंडिपिटस एनकाउंटर हुआ, अब मतलब कि उससे मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई, ये सिरेंडिपिटस हुआ, मतलब अचानक से हुआ, सडन ट्रिप था। सडन ट्रिप से जहन में रख ली कि कोई अचानक से आपको कोई ट्रिप मिल जाए जिससे आप खुश हो जाए,
as a serendipitous encounter हुआ किसी इंसान के साथ, और वो जो है ना इंसान आपकी पूरी जिंदगी का दोस्त बन गया, मतलब उससे आपको फायदा हुआ, आपको एक अच्छा इंसान मिल गया जिंदगी में, एक अच्छा एडिशन हुआ, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में अच्छी हुई है और वो अचानक से हुई है, सडन ट्रिप की तरह हुई है, कोई अचानक से ट्रिप आया है और जिससे आप हैप्पी हो गए, तो वो सेरेंडिपिटस हुई, सेरेंडिपिटस, ठीक है, सडन ट्रिप सेरेंडिपिटस, इसको ऐसे याद कर लीजिए। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इवोकेटिव। इवोकेटिव हम किसको कहते हैं? इवोकेटिव हम कहते हैं ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस मेमोरीज और फीलिंग्स टू माइंड। कोई भी चीज इवोकेटिव है अगर वो चीज आपके दिमाग में कोई बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की मेमोरीज या फीलिंग्स लेकर आ रही, कोई इमेजेस, कोई पुरानी पुरानी यादें आपके दिमाग में जो ना वो उजागर कर रही है ना, तो वो चीज इवोकेटिव है। वो कोई स्टोरी हो सकती है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो कोई म्यूजिक हो सकता है, वो किसी की बात हो सकती है, वो किसी जगह पे दोबारा से आप विजिट करें तो उस जगह पे आप पहले अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो आप दोबारा से अगर उस जगह से गुजरें तो आपको वो पुरानी मेमोरीज याद आ जाएंगी। तो वो जो मतलब उस जगह से गुजरना भी जो है ना वो इवोकेटिव है, ठीक है, कोई जगह हो सकती है। उसको भी याद कैसे करना है इवोकेटिव को? इवोकेटिव को आप याद कीजिए इवोकार से। इवोकार, अपने आप को इमेजिन कीजिए आप इवोकार ड्राइव कर, ठीक। अब जब भी इवो कार आपके सामने आएगी तो आप इवो कार की मेमोरी में चले जाएंगे कि हाँ भाई मैं इवो कार ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो वहां से आप जेंग में रख लीजिए कि इवोकेटिव वर्ड वो है जो आपको पुरानी मेमोरीज में ले जाए, जो पुरानी किसी भी मेमोरी में ले जाए कोई भी चीज, वो इवोकेटिव है, ठीक। अब इसका सेंटेंस क्या है? इवोकेटिव फोटोग्राफ्स टुक मी बैक टू माई चाइल्डहुड। आपको पुरानी बचपन की फोटोग्राफ्स अगर कभी सामने आ जाए ना, जैसे घर में पड़ी होती हैं, तो वो क्या करती हैं? आपको चाइल्डहुड मेमोरीज में ले जाता है, आपके बचपन की यादों में ले जाती है। अरे हाँ, ये फलां दोस्त था, इसके साथ मेरी ये दोस्ती थी, हम वहाँ जाते थे, हम ऐसे खेलते थे। पुरानी मेमोरीज होती है ना एकदम से उजागर जब आप पुरानी जो है फोटोग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। तो वो इवोकेटिव फोटोग्राफ्स ने आपको पुरानी मेमोरीज, आपके बचपन की मेमोरीज को आपके माइंड में उजागर कर दिया। आई होप कि आप ये वर्ड नहीं भूलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जो एडिलिक। एडिलिक क्या चीज होती है? एडिलिक, अच्छा, ये वर्ड किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, ये जहन में रख लीजिए, ये किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो जगह जो है ना, वो जो एक्सट्रीमली प्लेजेंट, बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल है। अब जहन में ना कुछ इमेज अपने जहन में किसी जगह का बना लीजिए जो बहुत ही सरीन है, पीसफुल है, खूबसूरत है, परफेक्ट है, प्लेजेंट है, तो ऐसी जगह को आप इडिलिक कहते हैं, बड़ी खूबसूरत, ठीक है, और बड़ी पीसफुल है। तो इडिलिक जो है ना, इसको आप जहन में रख लीजिए आए डेली, मतलब आई कम डेली। अगर कोई खूबसूरत जगह होगी तो वहां पर आप रोज जाना पसंद करेंगे ना, तो इडिलिक आई कम डेली, मैं रोज आता हूँ, रोज उस जगह पे आता हूँ जो बड़ी इडिलिक है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जगह खूबसूरत है। तो आई कम डेली से इडिलिक याद रख लीजिए कि ऐसी जगह जहां पर मैं रोज जाना पसंद करूंगा, जहां पर मैं रोज जाना चाहूंगा, मैं रोज जाता हूँ, खूबसूरत जगह है, जारी पीसफुल जगह हो, खूबसूरत जगह हो, तो वहां पर आपको रोज जाना पसंद है, तो वो जगह क्या होगी? एडिलिक होगी, बिकॉज यू कम डेली या आई डेली, आई डेलिक से आई डेली, आई कम डेली, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। अब जी, द पेंटिंग कैप्चर्ड द एडिलिक ब्यूटी ऑफ अ कंट्री साइड लैंडस्केप बेथ इन सॉफ्ट सनलाइट, ठीक है, कि जो जो पेंटर था ना, उस पेंटिंग में उसने वो जो ब्यूटी थी कंट्री साइड की, कंट्री साइड होता है जो शहरों से बाहर जगह होती है, विलेज भी कह सकते हैं आप उसको, तो कंट्री साइड के जो लैंडस्केप्स है ना, जो कि मतलब सॉफ्ट सनलाइट में नहाए हुए थे, धूप में नहाए हुए थे, मतलब इस तरह से, तो उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको पेंट किया हुआ था, उसको कैप्चर किया हुआ था। तो वो ब्यूटी क्या थी? उस जगह की आइडिलिक ब्यूटी थी, क्योंकि वहां पर आप डेली जाना चाहेंगे, आए डेली से आइडिलिक, ठीक है, अब इसको जहन में रख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी ग्रिटी। ग्रिटी जो है इसको क्या कहेंगे? शोइंग करेज एंड डिटर्मिनेशन। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान ग्रिटी है, वो जो बड़ा करेज और किसी काम को करने के लिए बड़ी हिम्मत और बड़ी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, इस्तकामत को शो कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, ठीक है। तो वो इंसान जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपना काम करने के लिए वो बहुत करेज, उसमें हिम्मत है बहुत ज्यादा, बड़ी डिटर्मिनेशन है कि मैंने अपना बिजनेस ग्रो करके छोड़ना है। आपने किसी एग्जाम के लिए आपने जो सोचा हुआ है तो कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करके छोड़ूंगा, तो आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी करेज के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो आप एक ग्रिटी स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा इंसान
जो कि बहुत करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ किसी काम को परसू कर रहा हो, इसको याद कैसे करेंगे? गिराने वाला, ग्रिटी। ग्रिटी वो शख्स जो गिराने वाला होता है, जो दूसरों को गिरा दे, ठीक है? मतलब वो अपने उस काम में इतनी डिटर्मिनेशन शो कर रहा है कि उसके साथी लोगों को वो गिरा कर आगे निकल जाएगा। तो ग्रिटी इंसान, गिराने वाला इंसान, ग्रिटी इंसान, गिराने वाला इंसान, मतलब जो दूसरों को गिरा देगा और खुद आगे निकल जाएगा, वो इतनी करेज और इतनी डिटर्मिनेशन अपने उस काम में शो कर रहा है, वो कोई भी काम हो सकता है, ठीक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? द टीम डिस्प्लेड अ ग्रिटी परफॉर्मेंस फाइटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट। जो टीम थी उसने ग्रिटी परफॉर्मेंस दी, मतलब ग्रा देने वाली परफॉर्मेंस थी, मतलब अपनी हरीफ जो दूसरी टीम थी, जिसके साथ जो ऑपोजिट टीम थी, उसको ग्रा देने वाली उसने परफॉर्मेंस जो ना वो दी, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो फाइट करते रहे कि हम इस मैच को जो है ना आसानी से नहीं देंगे, हम गिरा देंगे दूसरी टीम को। तो वो ग्रिटी परफॉर्मेंस थी। इसी तरह से किसी एथलीट को, किसी प्लेयर को आप ग्रिटी एथलीट, ग्रिटी प्लेयर कह सकते हैं, कि जो गिरा देने वाली परफॉर्मेंस दे, जो गिरा दे अब बाकी एथलीट्स को, बाकी प्लेयर्स को, जो उसके ओपोनेंट, ठीक है? तो वो ग्रिटी प्लेयर हो गया या ग्रिटी एथलीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी परसेप्टिबल। परसेप्टिबल से क्या चीज होती है? परसेप्टिबल वो चीज होती है जो के नोटिस की जा सकती है, जो जो के देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, या उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है? तो जो भी चीज देखी, सुनी या महसूस की जा सकती है, तो जाहिर है वो नोटिस हो सकती है। कुछ चीजें जो नोटिस नहीं हो सकती है, क्योंकि ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको सुन सकते हैं, ना हम उनको महसूस कर सकते हैं, तो वो परसेप्टिबल नहीं होती है। जैसे कि ग्रेविटी जो है, अब ग्रेविटी मौजूद है, जाहिर बात है हम धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर हैं, तो ग्रेविटी तो है, लेकिन क्या हम ग्रेविटी को महसूस करते हैं, उसको देखते हैं या उसको सुनते हैं? नहीं ना, तो वो परसेप्टिबल नहीं है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द म्यूजिक परसेप्टिबल है, हम जितनी चीजों को अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो सारी परसेप्टिबल है। जैसे हमें कोई आग छुए तो हमें महसूस होती है, ठीक है? तो जिसको हम सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो परसेप्टिबल है, ठीक है? तो जो नोटिसेबल चीज होती है वो परसेप्टिबल चीज होती है। जिसको याद कैसे करेंगे? परसीव, जिस चीज को किया जा सकता है। परसीव से परसेप्टिबल को जहन में रख लीजिए, कि जिस चीज को हम परसीव कर सकते हैं वो चीज परसेप्टिबल है। जो चीज हम परसीव कर सकते हैं वो चीज परसेप्टिबल है, मतलब कि जिस चीज को हम नोटिस कर सकते हैं वो चीज परसेप्टिबल है। अब ये वर्ड जहन में रहेगा। तो इसका क्या है, इसका सेंटेंस क्या है? देयर वाज अ परसेप्टिबल इंप्रूवमेंट इन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूटोरिंग ट्यूटोरिंग सेशंस, ठीक है? ये एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग जब सेशंस उसने लिए, जो उसने ट्यूटर लिया और उसे ट्यूटरिंग सेशंस जब लिए एक्स्ट्रा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी ना उसमें परसेप्टिबल इम्प्रूवमेंट हुई। मतलब ऐसी इम्प्रूवमेंट जिसको हम परसीव कर सकते हैं, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? उस स्टूडेंट के अंदर वो वाली इम्प्रूवमेंट हुई, तो वो परसेप्टिबल इम्प्रूवमेंट है, जो चीज नोटिस की जा सकती है। तो आई होप कि अब ये परसेप्टिबल वर्ड भी आपको नहीं भूलेगा। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये आज का लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आपने अब ये वर्ड्स आप रिटेन कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, इनको आप रिकॉल कर पाएंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और इनको इसी तरह से याद करेगा। और अगर अभी भी आपको ये याद नहीं हुए तो इस लेसन को दोबारा सुनिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, और जो जो भी निमोनिक्स मैंने बनाकर आपको बताए हैं उन सारी निमोनिक्स को आप जहन नशीन कीजिए, या आपको वोकैबुलरी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।